हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके लिए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न, या बोल सकते हो क्वेश्चन पेपर, जो कि रेगुलर वालों का हाल फिलहाल में हुआ है। तो आज हम इस लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बी कॉम प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट कर, तो देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि रेगुलर वालों का हुआ था। तो फ्रंट पेज तो हमें इसका मिल नहीं पाया, तो तभी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपका 75 मार्क्स का आए थे टोटल, और 3 घंटे का समय मिला था। सारे क्वेश्चन इसमें आपको करने होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज का ही पेपर है, ठीक है। तो जो उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, जिसमें बैलेंस शीट आपसे पूछी गई, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, तो लेटेस्ट पैटर्न आपसे पूछा गया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रही है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायल बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट टाइप कुछ है, देख सकते हो आप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। पैटर्न देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए बैलेंस शीट आ रही है, पूरा पेपर इसी से भरा पड़ा है। एक और बैलेंस शीट, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट, बहुत बढ़िया, पूरा पेपर बैलेंस शीट से भरा हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, आप देख सकते हो। तीन डिफरेंस देने हैं AS3 में, अब AS7 में, देख सकते हो बैलेंस शीट, देख सकते हो पूरा पैटर्न किस तरीके का पूछा गया है इसमें। देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रेगुलर का क्वेश्चन पेपर है ये, रेगुलर और सोल का सिलेबस तो सेम है, ठीक है, आप देख सकते हो पूरा पेपर बैलेंस शीट से भरा हुआ है। देखिए देखिए थोड़ा ब्लर है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद नीचे देखते हैं और कौन, ये भी बैलेंस शीट पूछा गया है, नोट्स ऑफ अकाउंट, नीचे जाते हैं, बस ठीक है, ठीक है। पेपर तो दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला पोर्शन ही स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है, तो कोई नहीं, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट के ऊपर ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच।